सुबह मैंने मॉर्निंग में ही इसको कट करने के बाद नमक लगा के रख दिया था 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद मैंने इसे वॉश किया। वॉश करने के बाद थोड़ा सा सिरका लेके पानी में शामिल करके उसमें रख दिया था आधे घंटे के लिए। इससे ये होगा कि जो इसका कौड़ापन ना, कड़त्तन सी जो होती है इसमें कड़वासपन, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन करेले में थोड़ा सा होना चाहिए। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको करेले कड़वे नहीं लगेंगे। आलू है, आलू हम 2 टाइप्स के बनाएंगे। भर के आलू लिए मैंने 1 कप। प्याज है क्रश कर लिए मैंने, बिल्कुल क्रश नहीं किया, आप देख सकते हैं इसे इस तरह का क्रश करना है इसे। 1 कप जो है वो बेसन है। टमाटर और जो सबस मिर्च है वो मैंने दोनों चॉप कर लिए, क्योंकि ये तीनों चीज़ों में मिक्स होगी। और मसालों में साबित धनिया, साबित धनिया इसलिए क्योंकि ये गर्म होते हैं तो इसकी तेज़ीर ठंडी होती है, इसलिए साबित धनिया लिया। हल्दी पाउडर, रेड मिर्च, हसबे जायका नमक और कूटा हुआ गर्म मसाला। बस अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। करेले मैंने देखे सुबह मैंने मॉर्निंग में ही इसको कट करने के बाद नमक लगा के रख दिया था 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद मैंने इसे वॉश किया। वॉश करने के बाद थोड़ा सा सिरका लेके पानी में शामिल करके उसमें रख दिया था आधे घंटे के लिए। इससे ये होगा कि जो इसका कौड़ापन ना, कड़त्तन सी जो होती है इसमें कड़वासपन, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन करेले में थोड़ा सा होना चाहिए। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको करेले कड़वे नहीं लगेंगे। आलू है, आलू हम 2 टाइप्स के बनाएंगे। भर के आलू लिए मैंने 1 कप। प्याज है क्रश कर लिए मैंने, बिल्कुल क्रश नहीं किया, आप देख सकते हैं इसे इस तरह का क्रश करना है इसे। 1 कप जो है वो बेसन है। टमाटर और जो सबस मिर्च है वो मैंने दोनों चॉप कर लिए, क्योंकि ये तीनों चीज़ों में मिक्स होगी। और मसालों में साबित धनिया, साबित धनिया इसलिए क्योंकि ये गर्म होते हैं तो इसकी तेज़ीर ठंडी होती है, इसलिए साबित धनिया लिया। हल्दी पाउडर, रेड मिर्च, हसबे जायका नमक और कूटा हुआ गरम मसाला। बस अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मिर्च ले लिए हम, इसमें शामिल कर लेंगे आलू। सबसे पहले हम आलू वाल बनाते हैं। इसमें शामिल करेंगे ये मसाला जो हमने चॉप किया हुआ, टमाटर और सबस मिर्च। इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा प्याज, ज़्यादा नहीं शामिल कर रही मैं, ये बेसन में ज़्यादा शामिल होंगे और इसके ग्रेवी बनाने हैं हम लोगों ने। बस ये 2 चीज़ें हो गई और इसके बाद हम सेपरेट एक नाम चम्मच ले लेते हैं, उससे डाल लेते हैं। हल्दी पाउडर, धनिया, गरम मसाला, रेड मिर्च और हसबे जायका नमक। अब हमने हाथ की मदद से इसे मैश करना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह बिल्कुल मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया, इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना हम लोगों ने। ये देख लें, ये बिल्कुल आसान तरीका है, कुछ लोगों को नहीं इस तरह बनाना आता। ये बिल्कुल मैश हो चुके हैं। अब हम एक करेला लेंगे, ये देख लें अंदर से बिल्कुल साफ है। अब इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे इसे हाथ की मदद से, बिल्कुल नहीं इसे कवर करना अंदर से, मीन्स के अंदर से भरना नहीं है फूल, क्योंकि पकने के बाद ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये देख लें, इसी तरह मैं बाकी आपको करके दिखाती हूँ। देख लें, ये दोनों मैंने आलुओं वाले जो है वो भर लिए, अंदर से कवर हो गए हैं। ठीक है, इसे बाद में धागे की मदद से, आपकी अपनी मर्जी, आप जिससे भी टूथपिन से भी कर सकते हैं, मैं धागे की मदद से करूँगी। अब हम बेसन वाले बनाएंगे। 2 टेबल स्पून में बेसन लूँगी, क्योंकि हमने 2 ही बनाने हैं बेसन वाले ना। इसमें प्याज 2 टेबल स्पून, आप इसमें प्याज ज़्यादा डाल सकते हैं, आलू में नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं। यही जो मसाला हमने बनाया हुआ है ये इसमें शामिल करेंगे हम। बाकी मसाले, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, ये बाकी ग्रेवी में शामिल होगा और हसबे जायका नमक। इसमें हम अब पानी शामिल करेंगे, क्योंकि बेसन को मिक्स करने के लिए ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये मैंने जो बेसन है मैंने आपको बताना भूल गई थी, ये मैंने पहले भून लिया था, थोड़ा सा कच्चापन नहीं होगा इसके अंदर ना। कुछ होता है मसाला बनाने के बाद भरते हैं, जो मसाला बनाने के बाद भरते हैं उसका फिर जायका नहीं आता, वो टेस्ट नहीं आएगा। ये देखें इस तरह का हो जाएगा। मैंने पहले इसे घी में थोड़ा सा, देखें घी में भुना हुआ, ये पता नहीं चल रहा आपको, लेकिन मैंने भून के रखा हुआ था, मैं करेले में यूज़ करती हूँ। ये इस तरह हो गया, इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा ये देख लें ना, ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा पतला, इस टाइप में होगा तो ये अच्छे से हो जाएगा।
अब इसे कवर कर लेते हैं अंदर से, बेसन को इसके अंदर भर देते हैं। दो हमने बना लिए हैं आलू के और दो ही बेसन के। अब इसे धागे की मदद से, टूथपिन की मदद से बंद कर देंगे और ऑयल बॉयल होना मैंने रख दिया। जैसे ही वो पकना शुरू हो जाएगा थोड़ी हीट पे, और इसे कम, इसे तेज ये जो होगी आग उस पर नहीं बनाना है, हीट पे हमने थोड़े कम हीट पे बनाना है। 10 से 15 मिनट में ये बन जाएगा, नहीं तो अंदर वाला मसाला कच्चा रह जाएगा और बाहर से ये जो इसका ऊपर वाला ये मांस है ये जल जाएगा। दिखाती हूँ नेक्स्ट टाइम। हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है, मैं इसे रखती हूँ आराम से। ये देखो मैंने धागे की मदद से इसे कवर किया ऊपर से, ताकि अंदर का जो मसाला है बाहर में इसे हाथ से उधर से बस। अब इसे मैं 15 से 20 मिनट के लिए करूँगी इसी तरह लाइट आँच में, कम जो है आग में से रखी है मैंने, और उसको गर्म करते हुए ज़्यादा किए थे लेकिन अब कम है। 10 मिनट एक साइड लगेंगे, फिर 10 मिनट में, फिर 20 मिनट में ये हमारे जो करेले हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। इसमें ये सारे मसाले जो बचे हुए ये शामिल करेंगे। इसके अलावा आप टमाटर ले भी यूज करना चाहें तो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2-3 मिनट में से भूनूंगी इसे, फिर उसके बाद इसके अंदर करेले रख के दम दूंगी। दम देने के बाद बिल्कुल ये रेडी हो जाएंगे, आप रेडी हुए दिखाते हो आपको। अल्हम्दुलिल्लाह देख लें हमारे करेले जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और बेसन और कहते हैं आलू वाले बिल्कुल रेडी हों, इतने मज़े के बने हुए हैं ना, यकीन करें मेरी तो भूख से बुरा हाल है कि मैं फ़ौरन खा लूँ। और मैं इसके साथ जो खाती हूँ कहते हैं ना लाइट से चपाती ले लें वाइट उसकी आटे की नहीं, तो मैं इस तरह पराठा बनाती हूँ बिल्कुल विंगल्स वाला नहीं, विदाउट जैसे रोटी बनाते हैं हम चपाती उस तरह का, और साथ कच्ची लस्सी यूज़ कर लें या पक्की, क्योंकि गर्म होते हैं करेले तो मैं कच्ची लस्सी का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, मतलब कि दूध वाली लस्सी। तो ये मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, मैं बताना मत भूलेगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।